हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले हमने औरंगजेब के बारे में चर्चा की थी, औरंगजेब के शासनकाल को जाना था, औरंगजेब की शासन जो व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया था। लेकिन ये जो वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनके लिए मैंने बनाया है। कुछ पॉइंट छूट गए थे, जैसे मराठा हो गए, जैसे मारवाड़ हो गया, और जैसे कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के शासन के दौरान उसको मदद पहुंचाई थी लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, तो उन्हीं को हम इस वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ चीज़ें छूटे ना। ठीक है, औरंगजेब के ऊपर इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वो तुमको प्राप्त हो गई होंगी और तुमने उनको पढ़ भी लिया होगा। अगर पुरानी वीडियो तुम नहीं देखते तो पहले उसको देखा करो, फिर उसके बाद अगली वीडियो को देखा करो ताकि क्रम आपका बना रहे। ठीक है, चलिए। तो औरंगजेब को हमने पढ़ लिया था, अब देखिए जयसिंह का नाम आपने खूब सुना होगा, जयसिंह। ठीक है, अब जयसिंह कौन सा जयसिंह? बहुत सारे जयसिंह हुए, तो मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, कौन सा जयसिंह? मिर्जा राजा जयसिंह। किसके द्वारा उपाय दी गई थी इसको? तो इसको जो उपाय दी थी वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। किसकी उपाय दी गई थी? मिर्जा राजा की। ठीक है, तो उपाधि केवल ये मिली थी। ठीक है, ये याद रखना है, ये तो इसका खुद का नाम था, तो आप लोग लिख लेना शाहजहां। ये उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो ये उपाधि शाहजहां के दी जाती है। इसके शासनकाल की अगर बात करें, जयसिंह 1621 से लेके और 1667 तक यानी कि 67 तक शासन में रहता है। ठीक है, अब देखिए जयसिंह एक ऐसा शासक था जिसके द्वारा तीन शासकों के साथ काम करता है। कौन कौन से शासक थे वो देखो, तो ये लिखना है आपको, जयसिंह के द्वारा तीन शासकों के साथ काम किया जाता है। कौन कौन से शासक थे वो? तो वो शासक थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ इसने क्या किया था? काम किया था। काम करने का अर्थ होता है उनके शासनकाल में रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए इसको हाईलाइट करके लिख लेना है। पूछ लिया जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किन किन शासकों के साथ काम किए गए थे, तो वो काम किए गए थे मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा तीन, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए इसको क्या है, शाहजहां ने 1643 में क्या किया था? आगरा का सूबेदार बनाया था। कब बनाया था? 1643 में। कहाँ का? आगरा का सूबेदार बनाया। और इसको शुरू में 3,000, फिर बाद में 4,000 और फिर औरंगजेब ने इसको 7,000 की मनसबदारी क्या की थी? प्रदान की थी। शुरू में 3,000, फिर 4,000 और औरंगजेब ने औरंगजेब ने 7,000 की मनसबदारी प्रदान की। बात समझ में आई तुमको? कितने हज़ार की? पहले 3,000 की, फिर 4,000 की और फिर 7,000 की।
सबसे पहले शाहजहाँ के द्वारा, फिर जहांगीर के द्वारा और फिर औरंगजेब के द्वारा। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के द्वारा मनसबदारी दी जाती है। अधिकतम मनसबदारी कितनी दी गई? 7,000 की मनसबदारी। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं हम, फिर आगे लिखना है हमको। आपको याद होगा पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि यानी कि शिवाजी के साथ, शिवाजी के साथ किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। आगे देखिए, 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर बाध्य किया गया, करने पर बाध्य किया गया, ठीक है। कब? 1665 में किस किस के मध्य हुई थी? तो शिवाजी प्लस मिर्जा राजा, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ये जरूर आता है, क्योंकि जयसिंह तो कई हुए थे, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको अंडरलाइन करके रख लेना। फिर क्या होता है, 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी और इसकी 1667 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1667, 1667 में बुरहानपुर, कहाँ पे? बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बताइए, जयसिंह वाला जो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसने इसके पास एशिया की सबसे बड़ी क्या थी? तोप थी, जिसका नाम क्या था? जयमाण। तो ये बात भी लिख लेना, एशिया की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप क्या नाम था? जयमाण, जयसिंह के पास थी, जयसिंह के पास थी। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा जयसिंह। मिटाएं इसको, फिर हम इसको मिटाते हैं। मैंने धार्मिक नीति आपको बताई दी कि उसका किस प्रकार का व्यवहार व्यवहार रहा था औरंगजेब का, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका मराठाओं के साथ कैसा व्यवहार रहता है, ठीक है। इसका मराठाओं के साथ कैसा व्यवहार रहता है, देखिए। संभाजी 1680 से 89, यहाँ पे लिखना है मराठा, और मराठाओं में आप लोगों ने संभाजी का नाम सुन रखा है ना, संभाजी का नाम सुन रखा होगा। तो संभाजी के साथ इनका सबसे पहले क्या होता है? मनमुड़ंत होता है, सोलह सौ अस्सी से लेके और 89। ये क्या करते हैं, ये अपनी पत्नी जो यशुबाई थी उसको लेकर ये किससे मिलने जाते हैं? ये अपनी पत्नी जो इनकी पत्नी थी, क्या नाम था? यशुबाई, यशुबाई को लेकर औरंगजेब के पास गए, औरंगजेब के पास गए, ठीक है। किसके पास जाते हैं? औरंगजेब के पास जाते हैं।
और औरंगजेब इनको बंदी बनाने के आदेश दे देता है। किस बात के आदेश देता है? बंदी बनाने के आदेश दे देता है। और जब ये बात पता चलती है किसको, किसको पता चलती है? संभाजी को पता चलती है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, औरंगजेब के पास गए, लेकिन औरंगजेब ने बंदी बनाने के आदेश दिए, बंदी बनाने के आदेश दिए, जिसे सुनकर ये वहाँ से भाग आए, ये वहाँ से भाग आए। ठीक है, ये क्या हुए, वहाँ से भाग आते हैं। और जब ये वहाँ से भाग आते हैं, लेकिन 1689 में, कब 1689 में पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, पकड़ लिए जाते हैं, कब पकड़ लिए जाते हैं, 1689 में इनको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और जब इनको पकड़ लिया जाता है और मृत्यु दंड दे दिया जाता है, और इनकी जो पत्नी है येसुबाई और इनका पुत्र था साहू, ठीक है, इनकी जो पत्नी थी येसुबाई और पुत्र साहू, इनको भी ये लोग पकड़कर कहाँ ले जाते हैं, मुगल दरबार में ले जाते हैं, अकबर के पास ले जाते हैं। ठीक है, येसुबाई और पुत्र साहू को पकड़कर, को पकड़कर औरंगजेब के पास भेज दिया गया, औरंगजेब के पास भेज दिया गया। ठीक है, और इनको जेल में डाल दिया जाता है। जब इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो यहीं से शुरुआत होती है मराठा और मुगल संघर्ष की, जो 20 वर्षों तक चलता रहता है। यहां से मुगल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है, मुगल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। यह स्वतंत्रता संघर्ष कब तक चला था? 20 सालों तक चला था, जब तक साहू को नहीं छोड़ दिया जाता। तो कोष्टक में लिख लेना, 20 वर्षों तक यह स्वतंत्रता संघर्ष चला, ये स्वतंत्रता संघर्ष चला। ठीक है, कितने वर्षों तक चला ये स्वतंत्रता संघर्ष? तो ये स्वतंत्र संघर्ष जो है वो 20 वर्षों तक चलता है, जब तक कि साहू को छोड़ नहीं दिया जाता। ठीक है, साहू को छोड़ नहीं दिया जाता। अब बाद में राजा राम आता है, राजा राम, ठीक है, बाद में कौन आता है, राजा राम आता है, लेकिन ये संघर्ष जो है वो चलता ही रहता है। और आप लोग इस संघर्ष को अंत तक देखते हो, जब तक कि अंग्रेज यहाँ तक आ नहीं जाते। ठीक है, तो मुगलों का और इनका संघर्ष जो है वो चलता रहता है। फिर बाद में इस संघर्ष की बागडोर जो होती है वो राजा राम के हाथों चली जाती है। राजा राम के हाथों के बाद ये धीरे धीरे करके विभिन्न क्षत्रपों और विभिन्न पेशवाओं के बीच में ये होती हुई आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, फिर बाद में ताराबाई के पास चली जाती है 1700 से लेकर 1708 में। फिर साहू का लालन पोषण हो जाता है, साहू के लालन पोषण के बाद क्या होता है, ये जो बागडोर है फिर धीरे धीरे बादशाहत में चली जाती है। लेकिन इनका संघर्ष जो है वो समाप्त नहीं होता। तो मैंने ये बताया कि औरंगजेब, क्योंकि हमें किसका जानना है, केवल औरंगजेब के समय तक जानना है। ठीक है, बाद का नहीं जानना, क्योंकि टॉपिक औरंगजेब पर निर्धारित है। तो इसलिए मैंने आपको बताया
संभाजी के शुरू में संघर्ष क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, जो साहू तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि खुद औरंगजेब कब तक जीवित रहा, औरंगजेब कब तक जीवित रहा, 1707 तक जीवित रहा, ठीक है। 1689 में किसको मार दिया जाता है, साहू को मार दिया जाता है, और उसकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद तक ये संघर्ष चलता है, जब तक साहू को छोड़ नहीं दिया जाता। तो ये वही वापस 99 और उधर जाकर, ठीक है, 1709 तक ये संघर्ष चलता है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है, 1707 तक हो जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ तक इसी में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम औरंगजेब के शासनकाल की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात आप लोगों को, मिटा दें इसको, फिर रफ कर दें इसको फिर, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ये जो संघर्ष है वो चलता रहता है जब तक कि अंग्रेज नहीं आ जाते, और उसके बाद मराठाओं का जो संघर्ष है वो किसके साथ शुरू हो जाता है, वो अंग्रेजों के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल इनका ही पढ़ना रहा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं मारवाड़ की, मारवाड़ के साथ इसका संघर्ष कैसा रहता है, मारवाड़। तो मारवाड़ के बारे में आप लोगों को सुना, इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी सबको मालूम है क्या थी, जोधपुर थी। वंश कौन सा था, राठौड़ थे, ठीक है, ये क्या थी, राजधानी, और ये क्या था, वंश था। अब आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने दुर्गा सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और कई बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। दुर्गा सिंह राठौड़, दुर्गा सिंह राठौड़, और दुर्गा सिंह राठौड़ को क्या बोला जाता है, इसको राठौड़ों का वीरता का पुष्प बोला जाता है, ठीक है, राठौड़ों का क्या बोला जाता है, वीरता का पुष्प, याद रखना है तुमको, है ना। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसको राठौड़ों के वीरता का पुष्प माना जाता है, तो वो माना जाता है दुर्गा सिंह राठौड़ को। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इनका जो मिर्जा राजा जयसिंह था, उसको उस समय 7000 का क्या था, मनसब प्राप्त था, लेकिन होता क्या है, 7000 का मनसब प्राप्त था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब जयसिंह की 1678 में मृत्यु हो जाती है, कहां पर मृत्यु हुई थी जयसिंह की, जयसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी, मारवाड़ की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1678 में, 1678 में कहां पर हुई थी, जमरूद में हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी, जमरूद में हुई थी। तो उस समय जब जमरूद में इनकी मृत्यु हुई थी 1678 में, तो उसी समय क्या घटना घटित हुई थी कि इनका जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, अजीत सिंह था, क्या नाम था उसका, अजीत सिंह उस बेटे का जो है वो नाम था, और उसका उसी समय क्या हुआ, जन्म हुआ, वो काफ़ी छोटा था। तो औरंगजेब ने क्या किया, इनको अपने संरक्षण में दिल्ली बुलवा लिया, लेकिन जो वीर दुर्गादास राठौड़ होता है वो जानता था कि ये इसको क्या करेगा, मरवा देगा। ऐसा माना जाता है कि इसकी भी जो हत्या है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई थी। इसलिए वीर दुर्गा सिंह राठौड़ को क्या है, बिल्कुल विश्वास इस पर नहीं था, इसलिए क्या है, इसने इसको दिल्ली से सफलतापूर्वक निकाल लिया था, ठीक है, कहाँ से, दिल्ली से। और दिल्ली में कौन सी जगह थी जहाँ पर इसको रखा गया था, तो वो जगह थी नूरगढ़, नूरगढ़ में अजीत सिंह को बंद कर रखा था, और नूरगढ़ से कौन लेके आया था, तो नूरगढ़ से अजीत सिंह को दुर्गा सिंह राठौड़, दुर्गा सिंह राठौड़ जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो निकाल लाता है, और निकालने के बाद इसको सिरोही ले जाया गया, और सिरोही में एक जगह पड़ती है कालेंद्री, ठीक है, सिरोही में एक जगह पड़ती है कालेंद्री, तो वहाँ एक मंदिर था, तो वहाँ इस अजीत सिंह को छुपा कर रखा जाता है, और इसका लालन पोषण वहीं होता है। इसका लालन पोषण क्या है,
वही होता है। जब अजीत सिंह बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है, जो जो मारवाड़ में इसने औरंगजेब ने अपने जो प्रशासक नियुक्त कर रखे थे उनको खदेड़ कर ये वापस से मारवाड़ की गद्दी पर क्या हो जाता है, काबिज हो जाता है। ठीक है, और ये जब तक काबिज रहता है जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये औरंगजेब का मारवाड़ के साथ क्या था, संघर्ष था, जो कि कई वर्षों तक चलता रहा। लगभग 30 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। तो ये मारवाड़ों के साथ औरंगजेब का संघर्ष था, जो आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, ये कहानी आप लोगों ने बहुत पहले सुन रखी होगी। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में तुमको आई होगी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आपका औरंगजेब वाला, ये बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें हमने आपको उसकी जो धार्मिक नीति थी वो भी करा दी, उसके जो बचपन की प्रारंभिक घटनाएं थी वो भी करा दी, उसके अलावा उसके काल में विद्रोह थे वो भी करा दिए, उसके अलावा इसके जो विजय अभियान रहे वो भी करा दिए। तो मुझे लगता है औरंगजेब से संबंधित अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कल हम फिर वापस से कोई नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।